आइए हम एक गवाही को, एक टेस्टिमनी को सुनेंगे। जूम ऐप के जरिए इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आप जानते हैं कि जब वो लोग जो जूम के ऊपर ले हैंड करवाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बेड के ऊपर हैं, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते, या कोई बहुत बड़े रोग हैं जिसके कारण वो बेड से उठ नहीं पाते। तो पहले लोग ये कहते थे कि हॉस्पिटल में जाके प्रेयर करो। अभी वो भी काम शुरू हो चुका है कि जब यहाँ से प्रेयर होती है, जो हॉस्पिटल में लोग बेड के ऊपर पड़े हैं, हॉस्पिटल में जब उनके लिए प्रेयर होती है, परमेश्वर उन्हें छू रहा है, उन्हें हील कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ इस भाई की लाइफ में हुआ। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है, आपने ध्यान से विश्वास से इस गवाही को सुनना है। तो आइए हम उस गवाही को, उस टेस्टिमनी को सुनते हैं। जैसे कि बाइबल में यिर्मयाह 17 उसके 14 में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। ये वचन इनके जीवन में पूरा हुआ। कि आप सभी को, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है, हम इंदौर से मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। ये मेरे फादर विजय श्रीवास्तव हैं। 13 मई 2022 को इनका एक्सीडेंट हो गया था। हमारी मल्टी, मतलब जो हमारी बिल्डिंग है उसमें जो पिलर होता है, वहाँ स्कूटी में बैठे हुए थे ये, और वो स्कूटी से इनके गिरने से वो पिलर इनके सर पर लगा, और सर पर लगने से ये इनको बहुत ज़्यादा चोट आई, ये अनकॉन्शियस हो गए थे, ब्लीडिंग नाक से ब्लीडिंग हुई थी पूरी, और इनको याददाश्त इनकी चली गई थी। हमने तुरंत ही यहाँ पे भंडारी हॉस्पिटल है इंदौर में, वहाँ पे हमने इन्हें दिखाया। जब इनको वहाँ पे दिखाया तो डॉक्टर ने इनको बोला ये अनकॉन्शियस हो गए, इनको एडमिट करना पड़ेगा। फिर जब इन्हें थोड़ा सा एडमिट किया के बाद हमने इन्होंने कहा कि आप इनका सिटी स्कैन कराएं। जब इन्होंने सिटी स्कैन इनका कराया तो सिटी स्कैन में इनकी ब्रेन इंजरी निकली, ये सब इनका सिटी ब्रेन इंजरी निकली, और इनको आँख के नीचे फ्रैक्चर आया, कान के नीचे फ्रैक्चर आया, और ये सब फ्रैक्चर आने के बाद ये खाना पीना टोटली बंद कर चुके थे, ये याददाश्त खो चुके थे, ये बात भी नहीं कर रहे थे, कभी बात कर रहे थे कभी बात नहीं कर रहे थे, और बिल्कुल ऐसे पड़े रहते थे कि हम बिल्कुल टेंशन में आ गए थे क्या करें, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ चुकी है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास का, कि उन्होंने ये ईमेल लॉन्च करा ANM हॉस्पिटल का। जब मुझे रात को 2 बजे ये ईमेल एड्रेस मेरे कॉल सेंटर में फ़ोन लगा कि ईमेल एड्रेस लिया, तो इस ईमेल एड्रेस में रात को 2 बजे मेल किया, और 2 बजे मेल करने के बाद तुरंत ही मुझे वहाँ से रिस्पांस मिला कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है, इस संडे को जूम मीटिंग पे आपकी ले हैंड करेंगे। पापा जी ने बोला कि आपको इनको बोला कि विजय ब्रेन इंजरी हील। जब जैसे ही इनको बोला, इन पर ले हैंड करा। जब इस भाई के पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तब इन्हें anmhospitalprayerline@gmail.com के बारे में पता चला, और इन्होंने चर्च में इस ईमेल के ऊपर अपने पिताजी की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। तो उसके बाद परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी ने इनके पिताजी के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की। तो आइए हम देखते हैं उस ले हैंड प्रेयर को। विजय, एक्सीडेंट, ब्रेन इंजरी, मस्कुलर प्रॉब्लम बी हील्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर का रूह तुम सब लोगों को छुए, गवाहियों के साथ लेके आए, उसकी लाइफ तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करे, आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। कुछ घंटों के बाद ही इनके ऊपर जब ले हैंड करा तो इनको आराम लगने लग गया, ये अब अच्छे से बोल रहे हैं, अब इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अभी बहुत हील हो चुके हैं। जिस दिन संडे के दिन इनका ऊपर जब ले हैंड हुआ था, उसी शाम को ही इनको असर दिखने लग गया था, इनके सब कुछ ठीक हो गई, और आज की डेट में इनका पूरा ब्रेन इंजरी हील है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, और कोई ब्लीडिंग नहीं जा रही है, खाना पीना अच्छे से खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम इन्हीं की सुनते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही पापा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब याद रहता है आपको, है ना, खाना पीना भी अच्छे से खा रहे हो, कुछ दुखता तो नहीं है आपको यहाँ पे? नहीं दुख रहा ना, अब इन्हें कुछ भी नहीं दुख रहा है, एकदम फिट हैं, एकदम आपके सामने बैठे हैं ये, आप खुद ही देखें, एकदम अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु को हो जाए मसीह की। मेरा 13 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं किसी को पहचान नहीं सक रहा था। अब पापा जी ने प्रार्थना की, उसके बाद मैं सबको पहचानने लगा हूँ, और सब मेरे को जानने लगे हैं। यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो, आशीष हो, सामर्थ्य हो, आमीन। यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास का अपोस्टल अंकुर जी का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन बहुत बड़े मिरेकल करे, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सबको जय मसीह। जब परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर जूम ऐप के जरिए लेहन प्रार्थना की, तो उसके बाद ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया,
इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की तारीफ करें, सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि उनके ब्रदर की गवाही आपने सुनी कि उनके ब्रेन में इंजरी हो चुकी थी, ब्रेन के अंदर उनको उनको भूलना शुरू हुआ, कोई भी चीज़ उनको याद नहीं रहती थी, लेकिन जब लेंट प्रेयर हुई कुछ घंटों के बाद ही उनकी याददाश्त वापस आई, उनके ब्रेन की जो इंजरी थी परमेश्वर ने उससे उसको हील किया। ये भाई मध्य प्रदेश से ये जुड़े हुए थे, प्रेयर को रिसीव किया और पूरी तरह से हील है। सब एक बार जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले